नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन। दोस्तों, आज के वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जवानों के सामने एपीएससी कार्ड क्या है और किस प्रकार की चुनौतियां उनके सामने आ रही है, और क्या है फिटनेस प्रोटोकॉल और आर्मी रेगुलेशन 15 और आर्मी एक्ट 22 के तहत क्या होगी कार्रवाई। तो दोस्तों, आए हुए दिनों में आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रूसिया की जंग इतनी चलती आ रही है और इतने सालों से लगभग चल रही है, और वहीं पे बीच में गाजा और इजराइल की भी जंग आपने देखा ही सुना ही होगा। उसी के चलते फिर बीच में आपने देख लिया कि यहीं पे अगर हमारे विदेश मंत्री ईरान जाते हैं और वहां से आते ही ईरान का पाकिस्तान के ऊपर पलटवार करना, स्ट्राइक करना, ये सब भी इंडिया को इस संदेह के घेरे में लेके आती है कि आखिर में ऐसी दुविधा में किस प्रकार निपटा जाए और क्या किया जाए। इसी को मद्देनजर देखते हुए प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी से पहले ही एक मीटिंग, खुफिया मीटिंग का ऐलान कर दिया, जिसमें हर प्रकार की चर्चाओं का उसमें वर्चस्व रहा। जमीन से लेकर आसमान तक तीनों सेनाओं को लेकर किस प्रकार तैयारी की जाएगी, किस प्रकार किसी भी व्यवस्था से निपटने के लिए तैयार हो जाएगा, और इसी बीच में जनवरी लास्ट आते आते तब तक ये ऐलान कर दिया गया कि फिटनेस प्रोटोकॉल जवानों का अव्वल रहना चाहिए और अव्वल दर्जे पर रहना चाहिए, और क्या है फिटमेट फैक्टर और किस प्रकार से आर्मी रेगुलेशन 15 और आर्मी एक्ट 22 के तहत कार्रवाई करने की आवाजें भी उठने लगी। आइए देखते हैं क्या है फिटमेंट फैक्टर और किस प्रकार विभिन्न न्यूज पत्रों ने किस प्रकार से इसे प्रकाशित किया और क्या है उसके अंदर व्यवस्थाएं। वहीं पे दोस्तों देखते हैं कि हर न्यूज़पेपरों ने, द इंडियन एक्सप्रेस से लेकर हर न्यूज पत्रों में भी ये प्रकाशित हुआ, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉलोइंग आर्मी इंट्रोड्यूस न्यू फिटमेंट प्रोटोकॉल, ये द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। वहीं पे ये इंडियन न्यूज टूडे की न्यूज है, इंडियन आर्मी फिटनेस प्रोटोकॉल में बदलाव और किस प्रकार से भारतीय सेना बदलने जा रही है फिटनेस के नियम और वजन बढ़ाकर कर सकती है छुट्टियां। सैनिकों के फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड मेंटेन रखना होगा और टेस्ट के रिजल्ट 24 घंटे के अंदर जारी करने होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाने वाले सैनिकों को लिखित में काउंसलिंग दी जाएगी। उन्हें वजन कम करने के लिए फिजिकल फिटनेस ठीक करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया जाएगा। वहीं पे आगे क्या है देखते हैं, भारतीय सेना के फिटनेस नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। भारतीय सेना में घटते शारीरिक मानकों और जीवन शैली संबंधित होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए एक नई नीति लागू करने जा रही है। इस नियम पर खरा नहीं उतरने वाले सैनिकों के सुधार के लिए केवल 30 दिनों का समय दिया जाएगा। अगर वो समय सीमा के अंदर सुधार नहीं करता है तो सैनिकों की छुट्टियां भी काटी जा सकती हैं। इस प्रकार कहा गया है और इस प्रकार आगे क्या रखा गया है इस पे, ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी रखेगा नजर। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हर सैनिक के पास आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड यानी एपीएसी कार्ड भी जरूर होगा और इस कार्ड में उनकी सेहत से जुड़ी हर जानकारी होगी। इस नए बदलाव के अनुसार हर 3 महीने में होने वाले इस टेस्ट में ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी नजर रखेगा, और उसके साथ इससे पहले कमांडिंग अफसर 6 महीने पर फिजिकल टेस्ट कराता था, लेकिन अब सभी को फिजिकल टेस्ट असेसमेंट कार्ड मेंटेन करना पड़ेगा। क्या है फिटनेस के नए नियम, इसको जरा देख लेते हैं। सेना में सभी कमांड को भेजे गए लेटर में बताया गया है कि नई पॉलिसी का मकसद टेस्टिंग प्रोसेस में एक रूपता लाना, पाठ्यक्रमों के दौरान अधिकारियों के शारीरिक रूप से अयोग्य और मोटापे से ग्रस्त, विदेशी पोस्टिंग और जीवन शैली में जुड़े बीमारियों के बढ़ने जैसे मुद्दों से निपटना है। फिलहाल हर 3 महीने में वेटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी बीपीटी, फिजिकल प्रोसेंसी टेस्ट यानी पीपीटी होती है, और बीपीटी में एक सैनिक को 5 किलोमीटर की दौड़, 60 मीटर की तेज दौड़, रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना, समय सीमा के भीतर 9 फीट के गड्ढे को पार कर लेना। इसके अलावा पीपीटी में 2.4 किलोमीटर की दौड़ और 5 मीटर शटल, पुशअप, चिनअप और सीटअप और 100 मीटर की स्प्रिंट होती है। इसके अलावा स्विमिंग टेस्ट भी होता है वहीं जहां सुविधाएं उपलब्ध है। इसके साथ ही कई और टेस्ट भी पास करने होंगे। कमांडिंग ऑफिसर इन टेस्ट को सालाना एनुअल सर्टिफिकेट रिपोर्ट एसीआर तैयार करता है,
लेकिन नई गाइडलाइन में इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसमें ब्रिगेडियर रंग के अधिकारी बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दो कर्नल और एक मेडिकल ऑफिसर भी शामिल होंगे। हर 3 महीने में फिजिकल फिटनेस का आकलन करेंगे। 3 महीने में होने वाले बीपीटी और पीपीटी टेस्ट के अलावा वार्षिक 50 मीटर स्विमिंग टेस्ट के साथ हर 6 महीने में 10 किलोमीटर स्पीड मार्च और 32 किलोमीटर रूट मार्च भी होगा। तो साथियों, ये थे बदलाव, ये बदलाव जो इसमें रखे गए हैं, जो वार्षिक 50 मीटर स्विमिंग टेस्ट के साथ ही साथ 10 किलोमीटर का स्पीड मार्च और 32 किलोमीटर का रूट मार्च होगा, जो हर 6 महीने में पास कर। वहीं आपके लिए सुधार के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। सैनिकों के फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड मेंटेन रखना होगा और टेस्ट के रिजल्ट 24 घंटे के अंदर जारी करने होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल नहीं खाने वाले सैनिक को लिखित में काउंसलिंग दी जाएगी। उन्हें वजन कम करने के लिए, फिजिकल फिटनेस ठीक करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा और इस दौरान उसमें सुधार नहीं होता है तो उनका छुट्टियां और टीडी कोर्सेस में कटौती की जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आर्मी के अंदर ये बदलाव किए जा रहे हैं और किस प्रकार आने वाले समय में इनके ऊपर क्या एक्शन होगा और वहीं पे क्या एक्शन इसके ऊपर किया जा सकता है, वहीं पे एज ग्रुप जिन्हें वेट मेंटेन करना है उनके लिए इस प्रकार से ग्रुप, जो 28 से 32 ईयर के ग्रुप में 170 अगर इसकी हाइट है उसे मिनिमम 55, मैक्स मिडिल 62 और मैक्सिमम 68 वेट होना चाहिए। वहीं पे जिसकी 72-74 इस प्रकार से हाइट है उनका सब कॉलम वेट एज के अनुसार दिया गया है। वहीं पे अगर एज ग्रुप 33 से 37 हो जाता है तो वहीं पे कुछ परसेंटेज वेट में बढ़ोतरी की जाती है। एक वहीं पे अगर एज ग्रुप 73 से 74 है तो वहीं पे 170 की हाइट में आपका वहीं पे दिया है कि दिशा निर्देश मूल्यांकन में विफल रहने वाले के लिए, यानी आर्मी आर्डर 15 और सेना अधिनियम यानी आर्मी एक्ट 22 के तहत संभावित कार्रवाई पर जोर देते हैं। अधिक वजन वाले अधिकारियों को 30 दिन के भीतर वजन कम करने के लिए लिखित निर्देश प्राप्त होंगे और एपीएसी को अधिकारियों के एसीआर में जोड़ा जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से एपीएसी कार्ड का चुनौती के लिए तैयार रखना और सेना को हमेशा अपने काम के ऊपर फोकस रखना और उसे सिखाता है कि किस प्रकार से आप अपने फिटनेस को तैयार करके और रेगुलर उसे अपने ड्रिल में अपना सकते हैं और अपनी जंग की तैयारी अव्वल दर्जे पे रख सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ऐसा कमेंट में जरूर बताएं ताकि सेना के अंदर जो भी बदलाव, नए नियम जो लागू हो रहे हैं और आप तक पहुंचे समय से। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।